वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। तो यार पिछली वीडियो में हम बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है। हमने अपना ये पूरा पुरानी सारी वीडियोस को मिला के ये सब हम बना चुके हैं। पहले ही मैं सारी वीडियोस में आपको पूरा बता चुका हूँ, ठीक है, ये कैसे बनाना है, हमारा थीम टॉगल, कनेक्ट टू वॉलेट और हमारा नेविगेशन। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म बनाया, ठीक है, हमने खाली ब्लैंक फॉर्म बनाया, इसमें कुछ किया नहीं है, खाली स्टाइलिंग की है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में क्या करेंगे हम, इसमें अपनी स्टेट मैनेज करनी पड़ेगी हमें, जैसा कि हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में अपने ये बनाए हैं, जो हमारा लेफ्ट रैपर है, राइट रैपर है, अलग अलग उसमें बनाए। तो यार रिएक्ट में आपको पता है स्टेट मैनेज करनी पड़ती है अगर आप फॉर्म हैंडलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ताकि मैं कुछ करूँ तो मेरे स्टेट में चेंज हो, तो इसके लिए मैं कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में और आगे कोड लिखना शुरू करते हैं अपना। उससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो उसका लिंक मैं दे देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो शॉर्ट्स कोड है इसका वो भी आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए। चलते हैं VS कोड में। तो विजुअल कोड स्टूडियो कोड में मैं अपना आ चुका हूँ। मैं जो है मेरे फॉर्म के अंदर form.js है, जो मेरी रूट फाइल है फॉर्म की, ठीक है, इस पर मैं इम्पोर्ट करा लेता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओके, तो रिएक्ट से इम्पोर्ट हो गया है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म, फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मैं से देता हूँ, ठीक है, फॉर्म कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली फॉर्म स्टेट अच्छा लगा, ठीक है, स्टेट देते हैं इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इतना कर दिया है मैंने। इसके बाद क्या करना है, इतना मैंने कर दिया अपना फॉर्म का, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अपना डिफाइन कर लिया है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी स्टेट्स डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, तो मैं स्टेट अपनी डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर्म एंड अपना सेट फॉर्म, ठीक है, यूज स्टेट। तो जो VS कोड ने उसने मिले रिएक्ट से यूज स्टेट खुद ही इम्पोर्ट करा लिया है, ठीक है। अगर आपका ना हो आप करा लीजिए, नहीं तो आपको एरर आएगा। तो इसमें मैं क्या करने पड़ा हूँ, जो इनिशियल स्टेट है हमारी उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास करने वाला हूँ, उसमें जो सबसे पहला हमारा वो होगा कैंपेन टाइटल, ठीक है, जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारा। इनिशियली ब्लैंक होगा हमारा कैंपेन टाइटल एंड स्टोरी, स्टोरी भी इनिशियली ब्लैंक होगा जब तक यूज़र ने फिल नहीं किया, ठीक है। एंड इसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट, ये भी सेम, एंड एट लास्ट कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी भी सेम, इनिशियली ब्लैंक, ठीक है। फॉर्म हमने अपना डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जो है अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी, वो क्या होगी, जो इमेज हैंडलर है हमारा, ठीक है, तो इसे मैं देता हूँ कॉन्स्ट इमेज हैंडलर इज इक्वल टू इमेज हैंडलर में मैं लूंगा ई, इवेंट जो मेरा है, ठीक है, शॉर्ट में ई। तो इसमें करता हूँ, इससे पहले मेरे को एक स्टेट और डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसे मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट इमेज कॉमा सेट इमेज इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली मैं इसकी वैल्यू नल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट इमेज अपना ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ठीक है, क्योंकि हम फाइल अपलोड करा रहे हैं इमेज में, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है, एक सेकेंड, इतना आपको कर लेना है, इमेज दे दिया हमने अपना फॉर्म का दे दिया, ठीक है। जो इमेज का URL वगैरह होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम IPFS में अपलोड करेंगे उसे। अब तक के लिए हमें इतना करना था, और अब अपने फॉर्म में पहले इसको एक्सपोर्ट करा देते हैं। हमने फॉर्म स्टेट जो है उसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिया है, ठीक है, इसे हमें एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा यहाँ से, एक्सपोर्ट फॉर्म कॉन स्टेट, फॉर्म स्टेट हमारा एक्सपोर्ट करा दिया है यहाँ से मैंने, ठीक है,
ठीक है। और आपको एक और चीज़ जिस फाइल में कर देनी है वो क्या करना है, इसे प्रोवाइडर से रैप कर देना है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइडर है। ठीक है, हमने क्या नाम दिया इसे, फॉर्म स्टेट हमने नाम दिया है डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, इससे हम रैप कर देंगे अपने पूरे कंपोनेंट को। ठीक है, रैप कर दिया है मैंने। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है, जो जो हम पास करना चाहते हैं इसमें। तो इसमें मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगा, क्योंकि इस पर हमारी मल्टीपल स्टेट में पास करने वाला हूँ, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा मुझे ताकि मैं दूसरी फाइल से एक्सेस कर सकूँ आसानी से। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें फॉर्म दे देता हूँ अपना, है ना, फॉर्म में देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट मैं अपना इमेज में पास कर देता हूँ, और एक्चुअली इमेज नहीं यार, मैं सेट इमेज अपनी पास करता हूँ, नहीं दोनों पास कर लेते हैं यार, दोनों ज़रूरी है। ठीक है, सेट फॉर्म और इमेज, और सेट इमेज मैं पास कर रहा हूँ। और क्या करना है हमें, हमें इमेज हैंडलर भी पास करना पड़ेगा, और चीज़ भी पास करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जो हमारा फॉर्म हैंडलर है वो हमने डिफाइन अभी तक नहीं किया है, ठीक है, उसे भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके डिफाइन कर लेता हूँ, तो फॉर्म हैंडलर अपना हम डिफाइन करते हैं। तो यार फॉर्म हैंडलर भी अपना डिफाइन करते हैं, तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म हैंडलर अपना डिफाइन कर देता हूँ, एरो फंक्शन, एक सेकेंड। हमारा एरो फंक्शन, इसमें मैं क्या देने वाला हूँ, यहाँ पे हमें इवेंट मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी हमारे इनपुट फील्ड होंगी उससे हमें इवेंट मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसमें सेट फॉर्म में पास कर देंगे। तो जैसा कि सेट फॉर्म हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, जिसे हम थ्री डॉट से वो करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। इसका मतलब बाकी चीज़ें सेम रहेंगी जो मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ, खाली उसमें चीज़ डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो मैं ई डॉट टारगेट डॉट जो नेम है, नेम प्रॉपर्टी हमें सारे इनपुट फील्ड में पास करनी पड़ेगी ताकि हम इसे एक्सेस कर पाए, वो मैं चाहता हूँ इज इक्वल टू हो जाए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। फॉर्म हैंडलर भी हमारा हो चुका है सेट, और इसे भी मैं अपने प्रोवाइडर में पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्म हैंडलर भी अपना पास कर देता हूँ, एक सेकेंड, फॉर्म हैंडलर। तो यार आई थिंक इस फाइल में हमारा इतना ही काम था, हमें दूसरी फाइल में जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट हमने फॉर्म स्टेट करा गया है, ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और अपनी जो सबसे पहले क्या है, हमारा फॉर्म लेफ्ट रैपर है, इसमें मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट, तो मैंने डिफ़ॉल्ट उसे एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस का, फॉर्म स्टेट। ठीक है, इसने रिएक्ट जो वीएस कोड है मेरा, इसने इंपोर्ट करा लिया वहाँ से। ठीक है, हम रिएक्ट से जो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हम इंपोर्ट कराने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ यार, इसे हैंडलर में इसे इसका कॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडलर इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो है फॉर्म स्टेट। ठीक है, फॉर्म स्टेट को मैंने इससे कॉल करा लिया है। अब हम जो हमारे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज सारी हम इसके स्टेट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे जो हमारा इनपुट है प्लेस होल्डर, जहाँ मैंने कैंपेन टाइटल दिया है, इसे हमें नेम प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ से एक्सेस कर पाए। तो इसको मैं दूंगा कैंपेन टाइटल, तो आप इसे यही दीजिएगा जो हमने फॉर्म में अपने स्टेट में दिया है। तो मैंने कैंपेन टाइटल दिया है, आप सेम दीजिएगा ताकि स्टेट सही से मैनेज हो, कुछ एरर ना आए। ठीक है, नेम प्रॉपर्टी हमने पास कर दिया है। ठीक है, वैल्यू भी हम इसमें पास कर देंगे, इससे पहले मैं सामने पास करते हैं यहाँ पे ताकि आपको सही से दिखे। तो वैल्यू हमारा क्या होने वाला है, इसमें वैल्यू हमारा होगा जो हमारा हैंडलर है जो हमने वहाँ से इंपोर्ट कराया है डॉट, जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट है कैंपेन टाइटल। ठीक है, वैल्यू इसकी होगी ऑन चेंज, हम फॉर्म हैंडलर जो है हमारा है उसे हम कॉल करा देंगे। ठीक है, तो मैं ऑन चेंज जो हमारा हैंडलर डॉट फॉर्म
हैंडलर हमने पास करा है, ठीक है, इसे ऑन चेंज में मैंने कर दिया, ठीक है, काफ़ी सही। तो इतना मेरा हो चुका है, मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, देखता हूँ कि हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं सेव कर लेता हूँ, अपने ब्रेव में आ जाता हूँ। तो रिलोड कर लो आप इसको एक बार, तो रिफ्रेश करने के बाद आपका सही से आ जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक्सटेंशन अपना डाउनलोड कर देना है रिएक्ट डेवलपर टूल्स का, ठीक है, ब्राउज़र के लिए। इसके बाद क्या करना है, मैं इधर राइट क्लिक करूँगा, अपना इंस्पेक्ट में मैं जाऊँगा, और यहाँ से मुझे जाना है कंपोनेंट्स में, ठीक है। आप एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे ब्राउज़र का रिएक्ट डेवलपर टूल्स का, तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ अपने, मुझे फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म मिल गया मुझे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने स्टेट अपनी डिफाइन की है, तो जो मैंने स्टेट डिफाइन की थी वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो मैंने अभी खाली कैंपेन टाइटल जो है मेरा, उसमें मैंने वो दिया था, ठीक है, पास कराया अपना फॉर्म हैंडलर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। दिस इज़ कैंपेन, वेरी वेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फॉर्म हैंडलर है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी स्टेट में भी अपनी दे देंगे। तो जो कैटेगरी है हमारा, उसमें मैंने सेलेक्ट वाले ऑप्शन रखे हैं, तो इसके हमें बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे एजुकेशन कर देते हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन है मेरा, ठीक है। अगर कोई चेंज करना चाहेगा तो कर सकता है, वो भी चेंज हो जाएगी स्टेट, ठीक है। तो वापस अपने वीएस कोड में चलते हैं यार, एक सेकेंड। तो मैं वीएस कोड में आता हूँ अपने, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है हमारी, वो मैं एजुकेशन ही पास कर देता हूँ, ठीक है। और जो अपने बाकी इनपुट फील्ड हैं उनमें भी हमें सेम करना है जो हमने अभी किया था। तो इसमें भी उन चेंज का सेम आएगा, और वैल्यू में मैं थोड़ी चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसे टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है यार, तो मैंने जो गिटहब है उसका सोर्स भी दिया है, अगर कोई आपको कोड लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप उससे देख सकते हो, ठीक है। फॉर्म हैंडलर मुझे टेक्स्ट एरिया में भी चलाना है, और वैल्यू इसकी क्या होगी, फॉर्म डॉट कैंपेन टाइटल नहीं, जो हमारा स्टोरी है, ठीक है। और इसको नेम प्रॉपर्टी पास करूँगा मैं, नेम प्रॉपर्टी भी इसको स्टोरी मिलने वाली है, तो जो हमने स्टेट में डिफाइन किया है, ठीक है। इतना मैं सेव कर लेता हूँ, ये हमारा हो चुका है। वापस से आता हूँ, और एक बार दोबारा आपको रिलोड करना पड़ेगा। तो रिलोड करने के बाद यार आपको वापस से सही सही दिख रहा होगा, ठीक है। वापस से हम स्टेट में अपने फॉर्म में आ जाते हैं, और इस बार हम अपनी स्टोरी में भी देखेंगे कि चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कैंपेन टाइटल में हमने कर दिया था, दिखा दिया था, वापस से दिखा देता हूँ, ठीक है, आ रहा है। स्टोरी में देखते हैं, दिस इज़ स्टोरी, ठीक है, ये भी हमने सक्सेसफुली कर दिया है। और जो हमारा राइट रैपर है, इसमें भी हम करते हैं, तो वापस से अपनी वीएस कोड में आना पड़ेगा। वीएस कोड में आ चुका हूँ, फॉर्म राइट रैपर में अपना खोल लेता हूँ, लेफ्ट को अभी हटा देता हूँ। तो हम फॉर्म स्टेट इंपोर्ट कराने वाले हैं अपने फॉर्म से, ठीक है। फॉर्म स्टेट इंपोर्ट करा दिया है फॉर्म से, इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रिएक्ट से। और यहाँ पे मुझे, यहाँ पे भी मैं हैंडलर डिफाइन कर देता हूँ अपना, हैंडलर जो हमारा होगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो फॉर्म स्टेट है हमारी, ठीक है, यहाँ से डिफाइन करते हैं। और जो हमारा पहला इनपुट है हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट, यार आई थिंक मैं ये भूल गया यहाँ पे डालना, नहीं यार डाला है मैंने, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट। इसे भी हमें सेम चीज़ करनी है, ठीक है। वैल्यू पहले मैं इसमें ऑन चेंज अपना डिफाइन कर देता हूँ, जो कि है हमारा हैंडलर डॉट, हमारा हो जाएगा फॉर्म हैंडलर, ठीक है। और वैल्यू जो इसकी होगी, वैल्यू इसकी होने वाली है हमारा जो हैंडलर डॉट, जो हमारा है फॉर्म, जो फॉर्म हमने स्टेट दिए है उसके अंदर जो हमारा है क्या, रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। इसको नेम प्रॉपर्टी भी हम दे देंगे, नेम प्रॉपर्टी मैं इसको दे देता हूँ, जो कि है हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। नेम प्रॉपर्टी आप सही से दीजिएगा जो स्टेट में दिया है, क्योंकि ऐसे में आपको एरर आ जाएगा अगर आप कुछ भी अलग करते हैं। तो रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए हमने दे दिया है। उसके बाद हम जो लेवल जो सेलेक्ट का है हमारा, ठीक है, इसमें भी हमें देना पड़ेगा। तो ऑन चेंज अगेन हमारा हैंडलर डॉट फॉर्म हैंडलर है ना,
ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू में हमें देना पड़ेगा। तो यार कहाँ गया हमारा, ये रहा सेलेक्ट वैल्यू में मैं दूंगा इसे रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं, जो हमारा कैटेगरी है, और इसे भी नेम प्रॉपर्टी दे देंगे हम, जो कि हमारा कैटेगरी, ठीक है। आप सही से इसे सब कुछ कर लो यार, कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना हो चुका है हमारा, और इमेज में भी हमें देना पड़ेगा जो हमारा इमेज है, ये हमारा इनपुट है, ठीक है। तो इसे मैं ऑन चेंज प्रॉपर्टी दे देता हूँ, जो कि हमारा हैंडलर डॉट। तो यार मुझे यहाँ के चेक करना पड़ेगा किस में दिया था हमने, इमेज हैंडलर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। हाँ, तो इमेज हैंडलर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इमेज हैंडलर मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा दूसरी जो मैंने स्टेट दी है इमेज, ठीक है। तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू इसकी हो जाएगी हैंडलर डॉट इमेज है जो हमारा स्मॉल आई है यार मेरा, ठीक है। तो स्मॉल आई, हाँ, तो इतना मेरा हो चुका है, इमेज हमने कर दिया है, सेलेक्ट में मैंने कर दिया है, ठीक है। यार मुझे लग रहा है अब सब सही काम करेगा, मैं सेव करके वापस अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, और क्या करना पड़ेगा मुझे अभी देखता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टोरी में आ रहा है मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर मैं 10 डालता हूँ, ओ वाह, तो आप देख सकते हो आ रहा है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी एजुकेशन है, मैं चेंज करता हूँ तो मेरा चेंज हो रहा है। हेल्थ यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। एनिमल में आता हूँ तो एनिमल मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। फाइल मैं चूज़ करता हूँ कोई, तो जैसे कि मैं एक पिक्चर जो है चूज़ कर लेता हूँ कोई सी भी, तो कौन सी करूँ यार मैं, तो मैं जो है कोई सभी वॉलपेपर यूज़ कर देता हूँ ये वाला। तो मुझे कुछ एरर आ रहा है यार, तो मैं देखता हूँ क्या एरर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यार इस एरर को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, तब तक के लिए पॉज करता हूँ वीडियो को। ओके यार, हमें ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो अपना इनपुट है फाइल में, उसमें मैंने वैल्यू प्रॉपर्टी दी है अपनी इमेज को, ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, यार कहाँ गया हमारा, हाँ तो ये है हमारा, ठीक है। तो इमेज में हमें वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं देनी अपनी, ठीक है, ये इसमें प्रॉप्स है ही नहीं, ठीक है। ऑन चेंज खाली हमारा इमेज हैंडलर है, जो हमें वो पास कर देना है। मैं सेव करता हूँ, वापस अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, तो वापस स्टेट में फॉर्म ढूंढना पड़ेगा मुझे यार, काफ़ी झंझट है यार इसमें, है ना, पर मज़ा भी काफ़ी आ रहा है प्रोजेक्ट बनाने में। तो सारी स्टेट मेरी काम कर रही है, वो हमने देख लिया था। इमेज देखता हूँ मैं, ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ। ओ तो देख सकते हो आप, ये मुझे बफर डेटा दे रहा है अपनी इमेज का पूरा, है ना। तो यही तो चाहिए था यार, यही चाहिए था। तो काफ़ी सही है, ये भी हमारा हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था यार, इस वीडियो में हम खाली मैनेजमेंट देख रहे थे फॉर्म की अपनी, कि हम स्टेट कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, जो अपलोड टू IPFS है, और कैंपेन स्टार्ट कराने का भी, जो ब्लॉकचेन में हम डेटा सेव करेंगे अपना, ठीक है। अपलोड टू IPFS से क्या करेंगे हम, जो हमारी स्टोरी होगी और जो हमारी इमेज है, उसे हम IPFS में अपलोड करा देंगे अपनी, ठीक है। और वहाँ से हमें लिंक मिलेगा, लिंक को हम सेव करके स्टेट में ब्लॉकचेन में अपनी लिंक सेव करेंगे, क्योंकि इमेज रखना बहुत कॉस्टली होता है हमारी ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो इतना हम करने वाले हैं आज की वीडियो में, इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।